आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ अपने राज जो सिर्फ मेरे कुछ खास बंदों को ही पता है। स्कूल में बीच में सुसु कर दिया था, सच में कह रहा हूँ, बीच में सुसु कर दिया था। महाराज मेरे चंदमाई मेरे नमे प्राउने मेरे मैट्रिक पास डिडक्टेबल जा रहा हूँ, केड़ा साहब है आऊं तो आड़ा अपना रक्षण बोला। और गाइस इस वक्त हो रहे हैं रात के 12:15 और मेरा दिन इस वक्त शुरू नहीं हुआ था, मेरा दिन सुबह का शुरू हो चुका था। लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं टाल सकता भाई। हाँ भैया, हुआ ये कि आपके भाई का सारा डाटा करप्ट हो चुका है, आज का जितना भी डाटा था वो सारा करप्ट हो चुका है। हाँ जी, सही सुना आपने, डिलीट हो चुकी है। तो परसों के ब्लॉग में आपके भाई ने कहा था कि आपका भाई डेली ब्लॉगिंग शुरू करेगा, यो डेली ब्लॉगिंग। तो आज तो आपके भाई का सारा डाटा करप्ट हो गया। तो अगर मैं रोने बैठ जाता कि गाइस मेरा सारा डाटा डिलीट हो गया, मेरा सारा डाटा डिलीट हो गया, मैं क्या करूं, तो आज ये वीडियो अपलोड नहीं होती, ठीक है? समझ रहे हो ना। तो गाइस जब मेरा डाटा करप्ट हुआ तो मैंने सोचा कि भाई आज व्लॉग रहने देता हूँ, कल बनाएंगे कंटेंट। क्योंकि भाई रात को मैं क्या ही कंटेंट सोच सकता था, क्या ही कंटेंट ढूंढ सकता था। लेकिन फिर भाई ने एक कोटेशन पढ़ी और वो कोटेशन कुछ इस प्रकार थी कि भैया जो चीज आपको लिमिट करती है ना, वही चीज आपकी क्रिएटिविटी पुश भी करती है। कि भैया यही रहा था आपके पास, जो बनाना है बना सकते हो, ठीक है? तो गाइस काफी ज्यादा सोचने के बाद आपके भाई ने डिसाइड किया कि आज के व्लॉग में होंगी सिर्फ और सिर्फ बातें, बकवास करेगा आपका भाई, सिर्फ बकवास करेगा, स्टोरी टेलिंग। तो गाइस अगर आप लोग चाहते हैं कि ये वीडियो नहीं देखनी है तो आप लोग स्किप कर सकते हैं, जिसने सुननी है तो वो सुन सकता है मेरी बकवास, ओके? ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो होगी, सुननी है सुन लो, नहीं सुननी है तो कोई चक्कर नहीं, कल आ जाना यार, कल भी व्लॉग आएगा, ओके? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ अपने राज जो सिर्फ मेरे कुछ खास बंदों को ही पता है। और अब आप भी भाई के खास बंदे बन गए हो तो भाई आपके साथ भी डिस्कस करना बनता है ना, है ना? तो भाई बात कुछ ऐसी है कि भाई काफी लोग सोचते होंगे कि रक्षण निगर शराब पीता है, भाई निगर पुकरता है शराब, तभी पागलों वाली हरकतें करता है भाई बाजार में, ऐसे मतलब कर लाता है, व्लॉग बनाता है, लोगों के सामने कोई शर्म नहीं आती इसको। तो भाई बाबे की कसम खा के कह रहा हूं, मैंने आज तक कभी बियर भी नहीं पी है। तो भाई मेरे बड़े पापा, मेरे पापा हमेशा मुझसे यही पूछते हैं कि भाई रक्षण तू कहीं शराब तो नहीं पीता है? तो भाई मैं हमेशा उनको यही बोलता हूँ कि भाई बब्बे की कसम मैंने आज तक कभी बियर नहीं पी है। तो वो लोग मान जाते हैं कि भाई लक्षण सारा शरीर है, आज तक कभी इसने ये कोई नशे नहीं करता, लेकिन उनको क्या पता कि भाई बियर नहीं पीता हूँ लेकिन शराब तो पीता हूँ ना। और गाइस अब ये नहीं सोचना कि आपका भाई निग्गर साहब है शराबी है, नहीं, आज तक मैंने सिर्फ एक बार शराब पी है, वो भी इतनी सी, सिर्फ ड्रॉप एक टेस्ट किया था, वो भी भाई मतलब क्या बताऊं, मतलब मैंने ऐसे टेस्ट किया था, मैंने बोला भाई इतने लोग दीवाने हैं, चक्कर देखता हूं भाई क्या टेस्ट है, बस टेस्ट किया था सच में भाई। आप लोग ना ही करें तो अच्छा है, लेकिन भाई मैंने सिर्फ टेस्ट किया था, बब्बे की कसम खा के कह रहा हूं। और ये बात ना सच में कह रहा हूं यार, मतलब बहुत कम लोगों को पता है यार, मतलब जो मेरे खास खास बंदे हैं उन्हीं को पता है। और भाई लोग जिस दिन मैंने ना वो टेस्ट की थी ना शराब, उस दिन मैं इतना रोया था यार, इतना रोया था ना, मैं क्या बताऊं, मतलब यार मेरे को अंदर से इतना गिल्ट हो रहा था, इतना गिल्ट हो रहा था कि मैंने धर्म भ्रष्ट कर दिया, सच में कह रहा हूँ। लेकिन भाई अब हो गया, फिर मैंने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसके बाद से मैंने आज तक कभी शराब नहीं पी। तो भाई लोग दूसरा राज है कि 10th तक आपके भाई ने आज तक कभी ट्यूशन से, स्कूल से जिंदगी में बंकनी मारी थी भाई, जिंदगी में बंकनी मारी, लेकिन 10th में आपके भाई ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया और आपके भाई ने पहली बार बंक मारी और पहली बारी में ही कंडा हो गया भाई, पहली बारी में ही पकड़ो हो गया, कसम से कह रहा हूं। ऐसी बुरी किस्मत किसी की हो सकती है, आपके भाई की ऐसी किस्मत है। और अकेले नहीं मारी, मेरे साथ मेरे दो दोस्त और थे, वो दोनों ना इस चीज के पुराने शिकारी थे। मैं प्रावा नवा शिल्लू, ऐसे ही मन किया बंक मारने का, मार दी, अपने साथ उनका भी कुंडा करा दिया। तो आपके भाई की ट्यूशन होती थी सुबह 5 बजे और आपका भाई सुबह सुबह निकल गया भाई बंक मारने के चक्करों में, भाई मार लेंगे बंक, चाय चूहे पियेंगे, निकल साफ से मजा करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको बहुत ककौता, मेरा मन करता है उनके बाल पुट्टी 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 पुट्टी, मतलब उनको इतना मारू, मतलब लफड़ा चला दूं पे। तो उन बच्चों ने हमें देख लिया और वो हमारा नंबर सर को लगा गए। तो भाई लोग अगले दिन ट्यूशन जाने में मेरी इतनी फटे, मैं बोलूं भाई मार है, मैं अपने दोस्तों से बात करूं फोन में, भाई लोग क्या करूं। तो उन्होंने बोला भाई ट्यूशन की फीस ले जा और मास्टर को पकड़ा दे, मास्टर खुश हो जाएगा और नहीं मारेगा।
और मैंने ऐसा ही किया, जबरदस्ती घर वालों से फीस ली, माँ फीस चाहिए फीस चाहिए फीस चाहिए, मास्टर को देनी है, मास्टर मांग रहा है, मास्टर ने मांगी नहीं थी लेकिन मांग घर पे ऐसे ही बोला। और मतलब जैसे ट्यूशन के बाहर पहुंचा, मास्टर ने बोला गेट आउट फ्रॉम माई ट्यूशन, मेरे को ऐसे बच्चे अपने ट्यूशन में रखने ही नहीं है भाई। पूरी क्लास के सामने, मतलब पूरी ट्यूशन के सामने बाहर खड़ा कर दिया, निकाल दिया। मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ ऐसे करके भाई, कान पकड़ के, मैं सर सॉरी सॉरी सॉरी, सर बोल रहे कौन है तू, बाहर निकल बाहर निकल। लेकिन आपका भाई टी ठड्डी है भाई, टी ठड्डी है। मैं भाई ट्यूशन के दरवाजे के बाहर खड़ा रहा और भाई खड़ा रहा भाई। मेरे जो बाकी दो दोस्त थे ना, उनको सर ने कुछ भी नहीं कहा, मतलब वो फर्स्ट क्लास ट्यूशन पढ़ रहे हैं और मैं ट्यूशन के बाहर दरवाजे में खड़ा हूँ। मेरे साथ सर को पता नहीं कोई पर्सनल दुश्मनी थी नहीं यार, मतलब यार शायद से मेरे पर ज्यादा ध्यान देते थे वो, तभी मतलब मेरे साथ ऐसा कर रहे थे। और जैसे ट्यूशन खत्म हुई, आपके भाई ने सर को भाई फीस पकड़ाई, सर के मुंह पे थोड़ी सी स्माइल आ गई ऐसे करके, आए हाय। सर ने मेरे को बोला भाई बंक नहीं मारते हैं ऐसे ऐसे करके, बड़ा समझाया। और उसके बाद मारी 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 मेरे डोंड पंडूड़े। मैंने सर को बोला सर अब आपने मार भी लिया, अब घर पे मत बताना। सर ने पहले का घर पे फोन कर दिया था। और भाई मेरे घर में जब पहुंचा, मेरे को पापा से भी मार पड़ी भाई, इतनी मार पड़ी यार जितनी पिछली वीडियो में पड़ी थी ना, उससे ट्रिपल गुना मार पड़ी है भाई, ट्रिपल गुना भाई। मैं क्या बोलूं यार, पापा ने मुझे इतना मारा था, डंडे डंडे के साथ मारा था भाई, डंडे डंडे के साथ। मेरे पूरे शरीर में, सच में कह रहा हूँ, छाले पड़ गए थे, बब्बे की कसम खा के कह रहा हूँ, बब्बे की कसम, झूठी नहीं कहूंगा। मुझे पता है आप लोग बोर हो रहे हो यार, बोर हो रहे हो ना, हो रहे हो ना बोर, तो भाई लास्ट स्टोरी बताता हूँ और खत्म करते हैं वीडियो। लास्ट स्टोरी है कि भाई आपके भाई ने एक बार स्कूल में बीच में सुसू कर दिया था, सच में कह रहा हूँ, बीच में सुसू कर दिया था। उस वक्त मैं फोर्थ क्लास में था और भाई सच में कह रहा हूँ, मैंने बीच में मूत्र मार दिया था, आपके भाई ने बीच में ही मूत्र कर दिया था। मतलब होता है ना, बीच में मूत्र हो जाता है, मूत्र हो गया था बीच में मुझे। अभी मैं उस दिन को याद करता हूँ ना यार, मतलब मेरे को ऐसे होता है भाई, इतनी हंसी आती है ना अपने ऊपर कि भाई बीच में मूत्र हो गया भाई को। उस दिन हुआ ऐसा था, मैंने ना उस दिन बहुत ज्यादा पानी पी लिया था, इतना ज्यादा पानी पी लिया था, मुझे अभी तक याद है, मैं बहुत ज्यादा पानी पी लिया था और मेरे को इतनी जोर से मूत्र आया था, इतनी जोर से टॉयलेट आया था कि भाई मेरे से कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। मेरी एक होता है ना कंट्रोल, मतलब बंदा कंट्रोल कर देता है, रोक देता है ऐसे करके, लेकिन भाई उस दिन कंट्रोल की शक्ति ही खत्म हो गई थी, मुझे इतनी पेट में दर्द हो रही थी भाई, मेरे से कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। तो भाई मैं मैम के पास गया, छोटे बच्चे जाते हैं मैम के पास ऐसे ऐसे करके, मैम मी आई गो टू टॉयलेट, मैम मी आई गो टू टॉयलेट। तो मैम बोलती कोई नहीं जाने टॉयलेट, कोई नहीं जाने, चुप करके डेस्क पे बैठो। फिर बड़ी मुश्किल के बाद मैम ने मेरी शक्ल देखी और मैम ने बोला जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, बुशका जी ले, तब तक मित्र भी गया बीच में। माँ इतनी टेंशन पड़ गई भाई, मैं आधे घंटे तक क्लास के अंदर ही नहीं गया भाई, इतनी टेंशन हो गई। फिर हमारे स्कूल की माई होती है ना, माई आंटी, अभी मेरे को आंटी के ऊपर, आंटी लव यू यार, आपने मेरी बड़ी मदद की थी। फिर उस वक्त मैंने अंदर से दराज बांधा हुआ था, फिर आंटी ने वो दराज, मतलब क्या बोलूं यार आंटी, मतलब बता नहीं सकता हूँ आंटी, मतलब मैंने आंटी को वो खोल के दिया, फिर आंटी ने वो पैक किया, फिर जाकर भाई मैं क्लास के अंदर गया। मेरी पूरी पैंट गिली हो गई थी, लेकिन फिर मैं छुपके छुपके से गया क्लास के अंदर, बैठ गया, मेरे दोस्त को पता चल गया भाई इसको बीच में मूत्र हो गया। मेरे दोस्त बोलता मूत्र हो गया ना, मूत्र हो गया ना, मैंने उसको कसमें चढ़ाई, इतनी ज्यादा कसमें चढ़ाई, फिर उसने अपना मुंह बंद किया। और गाइस इस तरह के और काफी ज्यादा इंसिडेंट्स हैं जो मेरे साथ हुए हैं, लेकिन अभी मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा बोरिंग हो जाएगी। तो गाइस यही है कुछ आज की वीडियो, आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, एंड इफ यू एंजॉयड इट मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, यू वुडंट रिग्रेट फॉलोइंग मी। तो तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।